तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेबीज़। तो जो रेबीज़ है वो रेबीज़ वायरस के कारण होता है। ये होता क्या है, रैपिडली प्रोग्रेसिव एंड एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है, रैपिडली प्रोग्रेसिव एक्यूट इन्फेक्शन है अपने CNS का, और ह्यूमन और एनिमल्स में होगा। किसके कारण होगा, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अनदर रैबिड एनिमल, एक रैबिड एनिमल से दूसरे रैबिड एनिमल में फैलेगा। ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजी देखते हैं। रेबीज वायरस जो है वो रेप्टोवायरिडी फैमिली से होता है। ठीक है, इसका जो शेप है वो बुलेट शेप है, देखो दिख रहा है बुलेट शेप। ठीक है, जो एनवेलप होगा उसमें लिपिड एनवेलप होगा। ठीक है, जिसमें स्पाइक्स एम्बेडेड होंगे। याद करो दो पार्ट थे लिपिड के, लिपिड पार्ट और प्रोटीन पार्ट। लिपिड पार्ट हो जाए तो वो तो होस्ट ड्राइव होता है, और जो बाकी प्रोटीन पार्ट होता है। तो लिपिड एनवेलप है और उसमें ये प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है। तो इसमें जो ग्लाइको प्रोटीन है वो एम्बेडेड है, देखो यहाँ पर ग्लाइको प्रोटीन एम्बेडेड। फिर आता है न्यूक्लियो कैप्सिड, हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री होगी। सिंगल शेप, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस RNA है इसमें। ठीक है, इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस RNA है, न्यूक्लियो प्रोटीन है एंड प्लोरीमरेज प्रोटीन है। ठीक है, तो क्या क्या न्यूक्लियो कैप्सिड के अंदर, हेलिकल सिमेट्री है, सिंगल स्टैंडर्ड है, नेगेटिव सेंस RNA है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, पॉलीमरेज प्रोटीन है। ठीक है, इसमें दो प्रोटीन होते हैं, एक तो ये जी प्रोटीन और एक होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। तो देखते हैं डिफरेंस दोनों में। तो जो ग्लाइको प्रोटीन जी है वो एनवेलप में एम्बेडेड रहता है। ठीक है, जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो अंदर प्रेजेंट होता है उसके कोर के, जो कि वायरल RNA से एसोसिएटेड रहता है। ग्लाइकोप्रोटीन जी जो है स्पीसीज स्पेसिफिक है, जबकि न्यूक्लियो प्रोटीन है ग्रुप स्पेसिफिक। तो एक ग्रुप के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती है, तो समझ जाना। फिर आते जो ग्लाइकोप्रोटीन जी है उसका रोल होता है पैथोजेनेसिस में। सबसे पहला ये इट बाइंड्स टू द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से करवाता है, फर्स्ट स्टेप होता है पैथोजेनेसिस, वो उसमें रोल होता है, जबकि इसका कोई रोल नहीं होता पैथोजेनेसिस में। डायग्नोस्टिक रोल में ये एंटीबॉडी डिटेक्शन करवाता है, हीमोग्लूटिनेशन इनिबिशन टेस्ट से कराते हैं। इसमें एंटीबॉडी डिटेक्शन इसमें हीमोग्लूटिनेशन एंटी इनिबिशन टेस्ट से होता है, इसमें डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन से अपन टेस्ट करते हैं। तो दोनों में टेस्ट अलग अलग हुआ है। इसमें जो इम्यूनिटी में रोल है कि ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाएगा तो प्रोटेक्टिव इन नेचर रहेंगी, और ये प्रोटेक्टिव नेचर में नहीं रहती हैं। रोल ऑफ वैक्सीनेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं अपन सब यूनिट ऑफ वैक्सीन में, जबकि इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था वायरस के बारे में। अब आते पैथोजेनेसिस, इसके ट्रांसमिशन वगैरह कैसे होता है। तो जो इसका ट्रांसमिशन है मेनली किससे होता है, बाइट से होता है। रेबीज वायरस यूजुअली ट्रांसमिट टू ह्यूमन बाय बाइट, तो जो इन्फेक्टेड एनिमल उसके बाइट के कारण, डीप बाइट और स्क्रैच फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, जो मेनली जो रेबिट डॉग्स है ना वो 99% कॉज होते हैं रेबीज के। ठीक है, बैट आर नाउ द मेजर सोर्स इन अमेरिका, और भी जो एनिमल्स हैं ना दूसरे वो भी, उनसे भी रेबीज हो सकता है। फिर नॉन बाइट एक्सपोजर में कैसे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल विथ म्यूकोसा और फ्रेश स्किन वुंड। तो जो इन्फेक्टेड वो है ना एनिमल, उसके सलाइवा से अपना कॉन्टैक्ट हो जाए म्यूकोसा का, या अपनी फ्रेश स्किन वुंड से हो जाए कॉन्टैक्ट, तो भी हो सकता है। फिर इनहेलेशन ऑफ वायरस कंटेनिंग एरोसोल, वायरस कंटेनिंग एरोसोल का इनहेलेशन हो जाए, ये लेबोरेटरी में होता है कि लैब में बहुत ज़्यादा वायरस की अगर टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें तो उससे हो सकता है लेबोरेटरी वालों को। फिर आते हैं स्प्रेड ऑफ द वायरस, सबसे पहले ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, कुत्ते के काटने से सबसे पहले इंसान में आ गया। फिर रेप्लीकेट लोकली मसल और कनेक्टेड टू जहाँ पर काटा है वहाँ पर वायरस रेप्लीकेट करेगा। फिर वायरस बाइंड्स टू ACH रिसेप्टर एट NMJ, अब वो ACH रिसेप्टर से जुड़ता है ना NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो ये कौन कराता है, ग्लाइकोप्रोटीन जी कराता है, अपने टेबल में देखा था। फिर सेंट्रीपेटल स्प्रेड अलोंग द मोटर नर्व, अब NMJ से जुड़ने के बाद अब वो सेंट्रीपेटल सेंटर की तरफ जाएगा, अपने CNS में जाने की चल है ना, असेंड अपवर्ड द CNS, CNS वाले स्पाइनल कोड में यहाँ पर पहुंचा मोटर नर्व से, फिर अपवर्ड जाएगा CNS में। CNS में अभी कहाँ इफेक्ट करता है, हिप्पोकैम्पस और सेरेबेलम में करता है। फिर वहाँ से सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड करेगा अलोंग नर्व टू सेलाइवरी ग्लैंड स्किन एंड कॉर्निया। ठीक है, चलो अब डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले एक कुत्ते ने काटा यहाँ पर, फर्स्ट ट्रांसमिटेड, फिर स्किन अपने मसल में गया, मसल से ACH रिसेप्टर में जुड़ा, फिर सेंट्रीपेटल अपने स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से CNS ऊपर की तरफ गया, फिर हिप्पोकैम्पस सेरेबेलम में फैल गया, फिर यहाँ से सेलाइवरी ग्लैंड और स्किन कॉर्निया इन सब जगह चला गया। फिर अपन को पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखेंगे, अपन को देखेंगे नेग्री बॉडीज देखेंगे, जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिक इंक्लूजन्स होते हैं, इंक्लूजन बॉडी जो कि रेबीज वायरल प्रोटीन और वायरल RNA से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अपन को ये नेग्री बॉडी कहाँ मिलेंगे, ब्रेन पैरेन्काइमा में मिलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है रेबीज की। अगर नेग्री बॉडी प्रेजेंट है तो मतलब कन्फर्म रेबीज है। फिर अब आते क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 20 to 90 days होता है, और रेंज इसकी 1 week से 19 ईयर हो सकती है। ठीक है, तो 20 to 90 days याद रखना। फिर इसका वो इन्फेक्शन डिपेंड करेगा डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे, कि जहाँ जहाँ पे वो काट रहा है और उससे CNS तक की डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे चिल्ड्रंस देन एडल्ट, चिल्ड्रन में छोटी डिस्टेंस होगी तो जल्दी ट्रेवल करेगा। बाइट ऑन हेड नेक अपर लिम देन लेग्स, अगर अपर लिम में काटा है तो जल्दी इन्फेक्शन होगा एज कम्पेयर टू लेग में काटा, तो क्योंकि लेग से उसको CNS में ट्रेवल करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, शॉर्ट प्यूपल में ज़्यादा
ज़्यादा होता है, सीवियर लेसरेशन में ज़्यादा होगा, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में ज़्यादा रिस्क है, लो होस्ट इम्यूनिटी में भी रिस्क ज़्यादा है ना, तो इनमें रिस्क ज़्यादा होता है, शॉर्टर होता है इंक्यूबेशन पीरियड, जल्दी होएगा। फिर क्लिनिकल स्पेक्ट्रम में तीन फेजेज आते हैं, सबसे पहले आता है प्रोडॉर्मल फेज, तो ये जो रहता है 2 to 10 days तक रहता है, इसमें क्या नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स देखेंगे जैसे फीवर, मलेस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, सोर थ्रॉट, एबनॉर्मल सेंसेशन, ये सब जो है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, किसी और डिसीज में मिलते हैं पर इसमें मिलेंगे सबसे पहले शुरू के 2 से 10 दिन में, प्रोटॉर्मल फेज हो गया। फिर आता है एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज, तो एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज में भी ये 2 टाइप का होता है, एंसेफेलाइटिक टाइप और पैरालाइटिक टाइप। तो जो एंसेफेलाइटिक टाइप है वो 80% केसेस में देखने मिलता है और पैरालाइटिक टाइप 20%, मतलब कम होता है थोड़ा। फिर ये 2 से 7 दिन चलता है अपना, ये वाला देखो जो प्रोडॉर्मल था 2 से 10 डेज चला, ये भी 2 से 7 डेज चलता है। सबसे पहले क्या क्या देखेगा अपन को एंसेफेलाइटिक फेज में, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, एंजाइटी, एजिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, बिजार बिहेवियर एंड हेलुसिनेशन, ये सब हाइपर एक्साइटेबिलिटी में अपन देख सकते हैं। फिर ल्यूसिड इंटरवल में अपन का क्या है कि जैसे जो पेशेंट है वो थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है, ठीक है, जो अनकॉन्शियस रहता है फिर कॉन्शियस होता है, तो जो 2 अनकॉन्शियस के बीच में इंटरवल है ना वो कम होता जाएगा, है ना, ज्यादा देर तक अनकॉन्शियस रहेगा, अनकॉन्शियस के बाद कॉन्शियस हो रहा था फिर अनकॉन्शियस हो रहा, तो जो 2 अनकॉन्शियस होने के बीच का इंटरवल वो कम हो जाएगा, तो वो ल्यूसिड इंटरवल उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन में अपन को लैक्रिमेशन बढ़ेगा, सेलाइवेशन बढ़ेगा, परस्पिरेशन बढ़ेगा, मतलब स्वेटिंग वगैरह बढ़ेगी, कार्डियक अरिथमिया हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, एयरोफोबिया, फियर ऑफ एयर, ये तो एकदम ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेबीज का, अपन अगर आपने क्लिनिकल पोस्टिंग में देखा हो तो। द एक्ट ऑफ स्वॉलोइंग प्रेसिपिटेट्स एन इनवॉलेंट्री पेनफुल स्पाज्म ऑफ द रेस्पिरेटरी, लैरिंजियल एंड फेरिंजियल मसल्स, तो वो स्वालो भी नहीं कर पाएगा एयरोफोबिया और हाइड्रोफोबिया के कारण, इतना कि स्वालो भी नहीं कर पा रहा है वो, पेनफुल स्पाज्म हो जाएगा रेस्पिरेटरी लैरिंजियल मसल में, जिसकी वजह से वो उसमें बहुत सारी दिक्कत होगी, ठीक है। दीज सिम्टम्स आर प्रोबेबली ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्रेन स्टेम न्यूरोन, हाँ, तो रेस्पिरेटरी लैरिंजियल जो फेरिंजियल, तो रेस्पिरेटरी मसल को अपना जो ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है, ठीक है, तो अगर ब्रेन स्टेम में डिसफंक्शन होगा तो रेस्पिरेटरी मसल भी काम करना बंद कर देंगे, तो डेथ हो सकती है। फिर आता है पैरालिटिक और डम्ब रेबीज, तो पैरालिटिक जो है 20% केसेस मिलता है, इसमें क्या होगा कैरेक्टर फ्लैसिड पैरालिसिस, इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस देखेगी, ठीक है, और बिगिंस इन द बिटरनल लिम एंड प्रोग्रेसिंग टू द फेशियल पैरालिसिस, सबसे पहले वहां से पैरालिसिस स्टार्ट होगी जहां पर उसने काटा है कुत्ते ने और फिर फेस तक चली जाएगी। फिर हाउएवर हाइड्रोफोबिया एंड अदर फीचर्स ऑफ एंसेफेलाइटिक रेबीज आर टिपिकली एब्सेंट, तो पैरालिटिक वाले टाइप में ये हाइड्रोफोबिया प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी ये वाले सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है थर्ड स्टेज में, कोमा एंड डेथ हो जाता है। फॉलोइंग एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज पेशेंट डेवलप कोमा दैट इवेंचुअली लीड्स टू द डेथ विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर ही डेथ हो जाती है। पेशेंट विद पैरालिटिक रेबीज में सर्वाइव लॉन्गर अप टू 30 डेज, तो जो पैरालिटिक है थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म है ना, तो उसमें ज़्यादा देर तक पेशेंट जिंदा रहेगा, और उसके बाद जो डेथ इज ऑलमोस्ट सर्टेन होती है, रिकवरी एंड सर्वाइवल आर एक्सट्रीमली रेयर, है ना, तो डेथ होना पक्का ही है रेबीज से अगर इन्फेक्शन हो गया है और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ प्रॉपरली, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लैब डायग्नोसिस, तो लैब डायग्नोस सबसे पहले करेंगे रेबीज का एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन कौन से मेथड से करते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट, और उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जो टेस्ट है वो अपन परफॉर्म करते हैं कौन से एंटीजन के लिए, न्यूक्लियो प्रोटीन एंटीजन के लिए, ठीक है। फिर इसकी हाई सेंसिटिविटी और हाई स्पेसिफिसिटी के कारण ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। द बेस्ट स्पेसिमेन इज हेयर फॉलिकल ऑफ नेप ऑफ द नेक, नेक के पीछे की तरफ जो चैथी बोलते हैं ना वहां पर, नेप ऑफ द नेक जो है उसका हेयर फॉलिकल बेस्ट स्पेसिमेन होता है। फिर आता है वायरल आइसोलेशन, तो सबसे पहले आता है माउस इनोकुलेशन। माउस इनोकुलेशन में क्या करते हैं, इंटरसेलिब्रल इनोकुलेशन इनटू सकलिंग माइस कैन कॉज इंसेफेलाइटिस एंड डेथ, तो उसमें इनोकुलेट कर देंगे माइस के अंदर, तो उसमें डेथ हो जाएगी और इंसेफेलाइटिस हो जाएगा। तो अपन ब्रेन की बायोप्सी जब देखेंगे उसकी, जो जिसमें एमएन ने इंजेक्ट किया था, तो अपन में उसको नेग्रीज बॉडीज देखेंगे, ठीक है, नेग्रीज बॉडीज और रेबीज एंटीजन देखेगा। तो ये माउस इनोकुलेशन से वायरस आइसोलेशन किया। फिर आता सेल लाइन से, तो माउस न्यूरोब्लास्टोमा सेल लाइन्स एंड बेबी हेमस्टर किडनी सेल लाइन्स आर प्रेफर्ड सेल लाइन्स फॉर द रेबीज वायरस आइसोलेशन। तो माउस न्यूरोब्लास्टोमा सेल लाइन एंड बेबी हेमस्टर किडनी सेल लाइन जो है ये प्रेफर करते हैं अपन वायरस आइसोलेशन के लिए। फिर दे कैन ईल्ड वायरस 2 से 4 डेज मच फास्टर देन द माइस इनोकुलेशन, तो 2 से 4 दिन में इसकी अपन को कॉलोनी वगैरह जो है सेल लाइन्स के अंदर वायरस की ग्रोथ दिख जाएगी, अपन उसको डिटेक्ट कर लेंगे। फिर आता है एंटीबॉडी डिटेक्शन, अभी सबसे पहले अपन ने किया एंटीजन डिटेक्शन, फिर वायरस आइसोलेशन, अब आप नेक्स्ट आ रहा है एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन अपन किस में करते हैं, सीएसएफ में करते हैं। तो सीएसएफ एंटीबॉडीज आर मोर सिग्निफिकेंट देन द सीरम एंटीबॉडी, सीएसएफ की जो एंटीबॉडी है ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जिसमें अपन ग्लाइकोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन का डिटेक्ट करते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी सॉरी डिटेक्ट करते हैं ना, मतलब एंटीबॉडी अपन ग्लाइकोप्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन के खिलाफ देखेंगे ब्लड में या फिर सीएसएफ में।
फिर माउस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, एके टेस्ट का नाम याद कर लो, और इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एसिड टेस्ट, ये सरल सरल वाले हैं। फिर रैपिड फ्लोरोसेंट फोकस इनहिबिशन टेस्ट, ये थोड़ा टफ है। फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, ये टफ है। तो MNT और IFA तो कर ही लेना। पहला था वायरस RNA डिटेक्शन, तो अब नेक्स्ट आता वायरल RNA डिटेक्शन। RNA डिटेक्शन किससे करेंगे? RT-PCR से करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR से, है ना। इसमें अपन वो जो रेबीज का जीन है उसको एम्पलीफाई करके अपन चेक कर लेंगे, कोई भी सैंपल से, जैसे टिश्यू से, सेलाइवा, स्किन बायोप्सी, इन सब से सैंपल लेके जो उसका DNA है उसको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव मोस्ट स्पेसिफिक ऐसे होता है, ठीक है, जो कि डायग्नोसिस करने का काम होता है। फिर नेक्स्ट आता है नेग्री बॉडी डिटेक्शन, जो नेग्रीज बॉडी है अपन यूजफुल टू कन्फर्म पोस्टमार्टम डायग्नोसिस ऑफ RBC, जब वो डेथ हो जाती है पर्सन की, तो पोस्टमार्टम डायग्नोसिस के लिए काम आता है। तो अपन ने देखी थी नेग्री बॉडीज के एंटरसाइटोप्लाज्मिक इकोसोनोफिलिक इंक्लूजन बॉडी है, जो कि अपने रेबीज वायरल प्रोटीन और वायरल RNA से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। लोकेशन कहाँ मिलेंगी? तो पुर्कें सेल ऑफ सेरेवेलम एंड इन पिरामिडल न्यूरॉन्स ऑफ हिप्पोकैम्पस, देखा था यहीं पर CNS में जाके फैल रहा था वो। फिर स्टेन में कौन से? हिस्टोलॉजिकल स्टेन सच एज HNE और स्टीलर स्टेन से अपन इसको स्टेन करते हैं। और अपन को अगर इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री करना हो तो परोक्सीडेज लेवल स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है उससे करेंगे अपन, ठीक है। वायरस इंक्लूजन बॉडी पर डिटेक्ट परोक्सीडेज लेवल स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ठीक है। फिर नेग्री बॉडी जो है पैथोग्नोमिक है, रेबीज के मतलब कि अगर रेबीज बॉडी प्रेजेंट है तो पक्का ही है कि रेबीज ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि ये जो देखो रेबीज जो नेग्री बॉडीज वो ऐसी दिखती है, ठीक है। देखो साइड में ये नेग्रीज बॉडीज दिख रही हैं। ट्रीटमेंट में क्या? कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है रेबीज का, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दो जिससे कि थोड़ा लाइफ बढ़ जाए, बाकी आउटकम तो फेटल ही है। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक डिसीज है तो ये हो सकती है। फिर रेबीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है 5 नंबर में, कर लेना इसको प्रिपेयर। थैंक यू।